Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक का मैसेज प्रश्न आया हमारे पास कि डॉक्टर साहब, क्या बैरियाटिक सर्जरी कराने के बाद लाइपोसक्शन कराया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने बैरियाटिक सर्जरी कराई है और इनको लगता है कि अब शायद उनको लाइपोसक्शन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बैरियाटिक सर्जरी के बारे में, शायद आपको उस सबको पता ही होगा, लेकिन चूंकि प्रश्न से रिलेटेड है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि जब वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोटापा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो जो जनरल सर्जन होते हैं या बैरियाटिक सर्जन होते हैं, वो आपके पेट का ऑपरेशन करके आपका जो स्टमक है, जिसको आमाशय बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी को कम कर देते हैं और कुछ उस आंतों को बाईपास कर देते हैं ताकि आप खाना कम खाएं, आपका पेट जल्दी भर जाए और वो जल्दी हजम हो सके। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये मोटापे के लिए बैरियाटिक सर्जरी में की जाती हैं। अगर आपका वज़न, बैरियाटिक सर्जरी आपने कराई, आपका वज़न डेफिनेटली कम होगा क्योंकि आप खाना कम खाएंगे, भूख कम लगेगी और वो जल्दी बाईपास हो जाएगा, तो ये आपको परिवर्तन आएंगे। लेकिन इनके पुल से ये लग रहा है कि इन्होंने बैरियाटिक सर्जरी कराई लेकिन उसके बावजूद भी ये लाइपोसक्शन का सोच रहे हैं। तो भाई ये क्यों सोच रहे हैं? तो कारण शायद ये हो सकता है कि वज़न तो उनका कम हो गया है बैरियाटिक सर्जरी से, लेकिन कई ऐसी जगह रह गई हैं जहाँ पर फैट है। हो सकता है पेट में या हिप्स में कहीं ऐसी जगह होंगी जहाँ पर उनको लगता है कि चर्बी अभी है, और अगर चर्बी है जो बैरियाटिक सर्जरी के कारण नहीं गई है, क्योंकि कुछ स्पॉट ऐसे हो सकते हैं जो रेजिस्टेंट हो कि उनका वज़न कम ही नहीं हो रहा, किसी कारण जो फैट नहीं जा रही है, तो उस फैट डिपॉजिट को हम लाइपोसक्शन से निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्किन के नीचे जो भी फैट होती है वो हम लाइपोसक्शन से निकाल सकते हैं। बैरियाटिक सर्जरी में का फ़ायदा सिर्फ इतना ही है कि पेट के अंदर जो चर्बी होती है वो चली जाती है, विसरल फैट जो होती है, लेकिन अगर स्किन के ऊपर जो फैट है उसको हम लाइपोसक्शन से निकाल सकते हैं। और अगर बैरियाटिक सर्जरी के बाद नहीं गई है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप अपने आप को ज़्यादा मेंटेन करना चाहते हैं तो आप उसको लाइपोसक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। अगर स्किन आपकी लटक गई है बहुत ज़्यादा बैरियाटिक सर्जरी कारण, तो उसको भी नई शेप दी जा सकती है, स्किन को काट के हम नई शेप भी दे सकते हैं उसके लिए, तो वो अलग चीज़ है, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी चर्चा सिर्फ लाइपोसक्शन की हो रही है, हम स्किन एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके कहीं फैट रह गई है जो हमारे दर्शक है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बैरियाटिक सर्जरी के बाद अगर फैट रह गई है तो जनरल सर्जन या बैरियाटिक सर्जन ने देखिए अपना काम कर दिया है, अब आप अपने शहर के किसी योग्य कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें और उनको दिखाएं कहां कहां फैट रह गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वहां से आपको फैट निकालने में लाइपोसक्शन या जो भी प्रोसीजर करेंगे उसमें आपकी मदद करेंगे। और प्रश्न का उत्तर यही है कि यस, लाइपोसक्शन किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी शंका का समाधान करने में कुछ हद तक या काफ़ी हद तक शायद सफल रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके या किसी और दर्शक के मन में इससे रिलेटेड कोई शंका है तो आपका स्वागत है। आप हमें हमें या हमारी टीम से संपर्क करें और हम हमेशा की तरह डेफिनेटली आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।